हमारे बीच कानपुर के कमिश्नर भी हैं और कमिश्नर साहब से जानते हैं कि उस मौके पे क्या क्या देना चाहते हैं। अगर आज गंगा मेला है इस मौके पे क्या शुभकामनाएं देते हैं कानपुर वालों को? मैं सभी कानपुर वासियों को जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए उनको बधाई देना चाहूँगा और ये ऐतिहासिक मेला है जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, मैं पुनः इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पूरे देश में होली एक दिन मनाई जाती है, कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ एक हफ्ता होली मनाती है और आज समापन है गंगा के तट पर। जी, ये कानपुर की एक विशेषता है और ऐतिहासिक रूप से ये चल रहा है, बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। राजशेखर जी हमारे बीच कमिश्नर सर, सर क्या शुभकामना दी जाएंगी? ये ऐतिहासिक भी है और इसका कानपुर का ये विशेषता है कि यहाँ पे पूरा एक सप्ताह भर में जैसे 18 तारीख से लेकर जो है 23 तारीख का ये समापन होता है, आज गंगा पूजा के साथ ये हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। एक इसका विशेष महत्व भी है इतिहास में कि ये ब्रिटिशर के विरुद्ध एक जो है विरोध प्रकट करने में और एक बेहतर जो है होली की इसके माध्यम से एक समन्वय बनाने में ये एक काम आया था। मैं शुभकामना सबको देता हूँ। कई शहरों में आप ऑफिसर रहे हैं लेकिन कानपुर की होली में क्या खास अलग लगा आपको? देखिए, कानपुर का पूरा एक सप्ताह का तो ही है, उससे अलावा यहाँ पे जैसे आज ही देखेंगे तो लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं गंगा आरती इसके लिए, बहुत विशेष है और लोगों का एक जुड़ाव है, इससे लगाव है आम जनमानस का।